हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेगा अनफिल्टर्ड। दिस इज संतिका एंड अभी 6 बजने वाला है एंड आर ट्रेन इज एट 6:30। तो अभी हम बिल्कुल कुछ देर में निकल जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू नो कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, फॉर व्हाट रीजंस एंड व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू टुडे, प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो। सो दिस इज 6 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। एंड मुझे यहाँ से ही पता चल रहा है कि कितना ठंडा होने वाला है। ठीक है, मैंने तो ट्रिपल लेयर्स पहना है। ये स्वेटर के अंदर ऑल्सो आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट, देन ये एक बहुत ही मोटा स्वेटर है, देन ये बहुत ही मोटा कोट है। ठीक है, मैंने बिल्कुल फुल ऑन हम बिल्कुल तैयारी करके जा रहे हैं, मतलब ठंड हमें छू भी नहीं सकती। खड़गपुर विच इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड ट्रेन लेट है, ट्रेन आने वाला था 10:30 बजे, अभी 11:30 बजे अभी हम जस्ट पहुँचे। ट्रेन इज 1 आवर लेट बट फाइनली वी हैव रीच्ड। एंड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, खड़गपुर मेरी नानी का घर है। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा कि मैं क्या बोलूँ। वैसे मैं मस्त, पता है, मैं खाना पीना खा के मस्त सो गई थी। अच्छा हुआ मैं सो गई थी, क्योंकि वो जो वाना जो डीले है ना, मेरे सोने के आराम से मैं आराम से सोते सोते आ गई, मुझे पता नहीं चला। ओके, सो हम खड़गपुर पहुंच गए हैं। यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रिक ऑटो होता है, जिसको यहाँ पे टोटो बोलते हैं, वो यहाँ बहुत चलता है, ठीक है, कटक में नहीं चलता। एंड इसमें भी बैठने का एक अलग ही मजा है। एंड घर बिल्कुल पास है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, विद इन लाइक 2 to 3 मिनट्स हम पहुँच जाए। जमाने में ऑटो नहीं बनता है, पहले से है ना। तो यहाँ पे ना लाइन से मेरे सारे मामा लोग का दुकान है, मैं सबको हाय 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 नमस्ते बोलते हुए जा रही हूँ। तो अभी 5:30 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल 7-8 बज गए, ठीक है। तो पार्टी तो रात को है एंड मेरे और पापा बस ऐसे ही लाइक हम रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे सोचा कि थोड़ा एक वॉक पे चलते हैं, ठीक है। एंड लिटरली यहाँ पे ठंडा लग रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू कटक, लाइक कटक में भी ऐसे ही ठंडा लग रहा है जैसे यहाँ पे लग रहा है। तो ठंडा तो है, इसलिए हम सब मस्त ऐसे कोट डाल के। एंड आई डोंट नो, खड़गपुर वालों को पता होगा यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सूप मिलता है, ठीक है, वो ब्रिज के ऊपर या ब्रिज के नीचे। एंड अभी हम वहीं जा रहे हैं सूप पीने। जगह से लाइक मैं मम्मी हर समय गुपचुप एंड टिक्की चाट खाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत लगा रहता है यार, वेट करना पड़ता है। A few moments later. अभी 8 बजने वाला है, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल बिल्कुल रेडी हुई हूँ। एंड वेन्यू बहुत पास है, तो मैं और पापा हम लोग चल के जा रहे हैं, बाकी मम्मी एंड मौसी लोग सब कार में आएंगे। आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग, लाइक कार में बैठने से पहले मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
दुपट्टा था कि वो गिरे ना। सो हियर इज माय नानी। नानी कुछ बोलना चाहते हो? हेलो बोल दो। हेलो हेलो। सो क्यूट। गोभी गोभी कौन सा था? बहुत बढ़िया। पापा को यही सब पसंद है, ठीक है? पापा लोग को जिस चीज में गोभी हो, सब्जी हो, कैरेट्स हो, वेजिटेबल्स, उनको यही सब खाना है। समोसा है इतना छोटा। ओके सो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है एंड पापा ने बोला है कि तंदूरी मोमो मिल रहा है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। तंदूरी मोमो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ना मस्त फ्राइड आइसक्रीम है, गर्मा गर्म जलेबी है विथ रबड़ी, ठीक है? बट मैं आइसक्रीम नहीं खाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे पापा बिल्कुल स्पेशल चीज खा रहे हैं, रस मलाई। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हमें थाली पे लिया है रोटी कुलचा, सब एक एक था, एक रोटी, एक कुलचा, एक कचौड़ी, पनीर की सब्जी, मलाई कोफ्ता एंड दाल मखनी, ओके, एंड पापड़ ऑफ कोर्स। मतलब अभी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये जो कपड़ा है ना ये भी गीला हो गया, अभी ऐसा लग रहा है। हाँ मेरा हाथ बहुत ठंडा हो गया। The next morning.